First blood. First, blo first blood, first blood, first blood, first blood. तो हेलो भाई लोग कैसे हो आप सभी होप करता हूँ आप सभी चेंगे आगे भी रहेंगे तो भाई आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ट सेंसिविटी सेटिंग के बारे में अब भाई देखो अगर आपके पास टू जी बी थ्री जी बीबी फोर जी बी सिक्स जीबी एट जी बीबी या फिर बारह जी बी रैम का मोबाइल है और अगर आप लोगों के हेडशॉट अच्छे तरीके से नहीं पड़ते हैं तो भाई आप लोगों को ऐसी कौन सी सेंसिविटी रखनी है और आप लोगों को ऐसी कौन सी सेटिंग फ्री फायर के अंदर करनी है जिससे कहीं आप लोगों के हेडशॉट एकदम नेक्स्ट लेवल के पड़े हैं अभी हम बात करने वाले हैं सेंसिविटी सेटिंग के बारे में कि आपको अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी सेंसिविटी सेटिंग रखनी है जिससे कहीं आप लोगों के हेडसोट नेक्स्ट लेवल

आती है रेड डॉट सेंसिविटी तीसरे नंबर पर आती है आपकी टू एक्स स्कोप सेंसिविटी और चौथे नंबर पर आपकी आती है फोर एक्स स्कोप सेंसिविटी अगर आप लोग स्नाइपर की गन यूज करते हो उस टाइम पे आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिविटी वर्क करती है अगर आप लोग चाहो तो इसे सेवेंटी वन कर सकते हो लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सेंसिविटी के बारे में कि आप लोगों को जनरल सेंसिविटी कितनी रखनी है अभी के टाइम पर ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को जनरल सेंसिविटी को नाइन्टी एट कर देना है उसके बाद कहीं सेकंड नंबर पर आता है आप लोगों का रेड डॉट सेंसिविटी अब रेड डॉट सेंसिविटी को भी आप लोगों को नाइन्टी एट ही कर देना है आप लोगों को जनरल सेंसिविटी को भी नाइन एट करना है रेड डॉट को भी नाइन्टी एट करना है उसके बाद कहीं हम बात करते हैं टू एक्स स्कोप सेंसिविटी

प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक गज आप लोगों को गेम प्ले में सुधार नहीं होगा आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा करनी है आप देखो अगर आप लोगों को डिजेटिकल से वन टेप हेसॉर्ट मारना है या फिर एम एट्टी सेवन से हेडशॉट मारना है या फिर बर्ड पिकर से या फिर एस वी डी से जिस भी गन से आप लोग वन टैप है मारना चाहते हो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना उस गन को लेना है उसी गन को ठीक है यानी कि अगर आप लोग डीजेटिकल चलाना चाहते हो तो डीजेटिकल को लेना है अगर आप लोग बर्ड पिकर चलाना चाहते हो तो आप लोगों को बर्ड पिकर ही यूज करनी है तो भाई उस गन को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेके जाना है और वहां पर गए आप लोगों को कम से कम तीस या चालीस मिनट प्रैक्टिस करनी है जैसे मान के चलो आप लोगों ने बुढ़पुकार या डी टीगल के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस की उसके बाद आप लोगों को सिंपली एक काम करना है कि आप लोगों को कस्टम बनवाना है अपने दोस्त से उसके बाद आप लोगों को दो ही गन चलानी है पहली तो गई आप लोगों की पिकर और दूसरी है आप लोगों की डिजिटिगल अगर गई आप लोग ये दोनों गन से उसके बाद हेडसेट मारने का ट्राई करोगे ना तो आप लोग खुद ही देख लेना कि आप लोगों को गेम प्ले में नेक्स्ट लेवल का सुधार आया होगा तो और आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूंगा होप करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक वाला बटन दबा देना चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और कहीं जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप लोग कितने जी रैम मोबाइल में गेम प्ले करते हो